हे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत सारी खुशियां मिले इस साल और आप बहुत तरक्कियां करें। अच्छा जी, आज है साल का पहला दिन, 1 जनवरी 2023, और आज है साल का पहला व्लॉग। मैं गाइस कोशिश करूंगी कि इस साल ना बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी, लेकिन क्या है ना, मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हम नए साल पे बहुत सारे रेजोल्यूशंस ले लेते हैं, लेकिन उन पर हम कायम नहीं उतर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो कायम रह पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दूँ, ठीक है जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है 1 जनवरी, तो अभी बज रहे हैं गाइस 10:45, और अभी मैं करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट, ठीक है। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, बस मैंने फेस वॉश कर लिया है, ठीक है जी। क्या है कि आज ना हमारी दोनों ही मेड नहीं आई है, ना आज आई है झाड़ू पोछे वाली और ना बर्तन वाली, तो आज हमें ही काम करना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप बताओ कि आपका नया साल जो है वो कैसा गया, मतलब आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। हम तो कहीं नहीं गए, क्योंकि जसप्रीत कहते हैं कि मतलब 31st को और 1st डेट को ना बहुत सारा भीड़ होती है बाहर, तो इसलिए हम कहीं पर भी नहीं गए। हमने फैमिली के साथ ही इंजॉय किया घर पे, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है ना। ये मैंने आज लिया है ब्रेड बटर, और ये है मेरी कॉफ़ी। हेलो, सबको हेलो बोलो, सबको बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, हाँ जी, सबको बोलो। और रानी ठीक है? सबको बोलो हैप्पी न्यू ईयर। ओए सोना, ना मैं नहाई, ना मेरी बेटी नहाई, लेकिन हम, हाँ मैं दे रही हूँ बेटे, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं कर, देखना जरा क्या कर रही, दे रही हूँ। मेरी खांसी अभी भी नहीं गई। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के दिन की। पहले तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, कॉफ़ी पी लूँ अपनी, और उसके बाद हम कुछ काम वाम करेंगे घर का, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, तो अभी ना मैं गीज़र ऑन करने वाली हूँ। मैं गुड़िया को नहला दूँगी, मैं चाहती हूँ कि वो फ्री हो जाए नहा धो के, फिर मैं अपना काम जो है वो आराम से कर लूँगी, ठीक है जी। चलिए जी, बच गए हैं 12:10 हो गए हैं, और अब टाइम है झाड़ू मारने का, क्योंकि मेड जो है वो नहीं आई है आज, तो इसलिए अभी हम करेंगे सफाइयाँ। आज ना हैरानी की बात है कि आज हमारे पार्क में एक भी आंटी नहीं आई आज, मतलब अब आ गई हो तो पता नहीं, आगे पीछे तो ऐसा होता 10:30-11 बजे ही आंटियाँ आके बैठ जाती हैं। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हो सकता है रात को पी शी के पड़ी होंगी। जोक्स अपार्ट, तो चलिए मैं कर लूँ काम, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। हाँ जी जनाब, सो अभी 3 बज रहे हैं, और मैंने बीच में व्लॉग नहीं किया था, अभी है ना ले रही हूँ अपना हल्दी वाटर। ये गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर मैंने जो है हल्दी पाउडर मिलाया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। बीच में मेरी खांसी जो है वो ठीक हो गई थी, बट अभी पता नहीं क्यों दोबारा से आ रही है खांसी। तो मम्मी ने मुझे बोला कि हल्दी वाला पानी पी लो, थोड़ा सा तो आराम आ ही जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने दवाई भी खाई थी, और अभी मैं ये हल्दी वाला पानी जो है वो पी रही हूँ। बेटा आराम से पियो ना, ये देखो। हाँ बूम बूम, हाँ बेटे। बेटा तो आज 11 बजे से उठी हुई है। हाँ बच्चे, हेलो बोलो, सबको बोलो मुझे नींद आ रही है। चलो चलो चलो, गुड इवनिंग गाइस। अभी 5:30 हो रहे हैं, और एक मिनट, 5:30 हो रहे हैं, और अभी मैं पी रही हूँ अपना गरम गरम पानी, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी मैंने मेडिसिन भी ली है, यहाँ चल रही है जी चाय गर्मा गर्म। तो यह जी साड़ी विंटर्स की स्पेशल चीज़, यह है बेसन की पंजीरी, साढ़े अंबरसरिया बहुत फेमस है। अगर तुसी अंबरसरिया हो तो तुसी पंजीरी नहीं खाधी तो तुसी कदा अंबरसरिया हो भाई, हैं भाई। बड़ी
टेस्टी चीज़ है, मैं तो इसको टेस्ट के लिए खाती हूँ। वैसे मतलब है तो ये बेनिफिशियल सर्दियों में, लेकिन मैं तो इसको टेस्ट के लिए खाती हूँ। चाय, अदरक मार के, बहुत सारी अदरक मार के चाय, ठीक है। तो ये मैं दोनों चीज़ें अभी खाने वाली हूँ। अभी जो है ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, पता नहीं मुझे लग रही है कि ज़्यादा सच में हो गई है, क्योंकि मैंने ना सुबह से ये पहन के घूम रही हूँ और अब मैंने ये पहना है। हाँ जी, आ जा, आओ पोती कितनी सी एल अनानास खाना। तो अभी हाँ जी, अभी ऊपर नहीं बैठे, पॉटी करी है ना आपने, चलो मम्मा क्लीन करे पहले, ठीक है। तो अभी भी मैं ना हीटर चला के बैठी हुई हूँ क्योंकि सर में इतनी दर्द हो रही है, ठंड भी लग रही है। तो चलो पहले मैं इसकी पॉटी शॉटी साफ कर दूँ ज़रा। कुदरत के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई और पानी भी। कुदरत ना मुझसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। कुदरत पॉटी तो बताती है लेकिन करने के बाद, अभी हम उसको कोशिश कर रहे हैं पॉटी ट्रेनिंग देने की। आज ना मैं उसके लिए लेके आऊँ टूथपेस्ट और एक ब्रश। अच्छा मैं आपको ना ये फ़ोटो दिखाती हूँ कुदरत की। यार ये इसमें कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। आई थिंक ये वाली ना इसकी जो पिक्चर है ना, 6 या 7, मतलब मुझे ध्यान नहीं है कि कितने महीने की थी, आई थिंक 8 या 9 महीने की थी तब की ये पिक्चर है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो फटाफट से मैं ना अपनी चाय पी लेती हूँ, पहले ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। सोने क्या खाने आए हो? सो गाइस, यहाँ पे ना जसप्रीत अपने लिए कुछ स्पीकर वगैरह पसंद करने के लिए आए हैं। हमने अभी ख़रीदा नहीं लेकिन बस देखने आए थे कि कुछ है नया मार्केट में कि नहीं। तो अगर उनको कुछ पसंद आएगा ना 1-2 दिन में तो वो ज़रूर ख़रीदेंगे। और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे नया फ़ोन लेके देंगे। प्रॉमिस किया है, लेके तो देंगे ही, क्यों नहीं लेके देंगे। और यहाँ मैं और कुदरत बोर हो रहे थे क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्पीकर वगैरह। छोटा बेबी कैसे वहाँ करता है? हाँ जी जनाब, सो 10 बज गए हैं। जसप्रीत हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको। हैप्पी न्यू ईयर जी सबको। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। और 10 बज गए हैं, मैं चल अभी मेरा ना चल रहा है हल्दी वाला पानी, क्योंकि दवाई मैंने अभी थोड़ा कब खाई थी, 8 बजे के करीब मैंने डोलो खाई थी, तो उससे क्या है कि मेरा फीवर जो है वो उतर गया, थैंक गॉड। ठीक है, कुदरत यहाँ खेल रही है अभी और मेरा हल्दी वाटर चल रहा है। तो आज का व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मैं मिलती हूँ जी आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन गाइस प्लीज़ मुझे हल्दी वाटर ही है ना, तो क्या लग रहा है? नहीं भाई, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। और प्लीज़ मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब पे, तो मुझे डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाले वीडियोस ज़रूर से देख पाएँ। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में नई खुशियों के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।